फाइनली द डे हैज अराइव्ड, टाइम टू मूव टू कनाडा. पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं या सीधा रिलोकेट हो रहे हैं? नॉट नथिंग इज ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि रिटर्न टिकट नहीं है. इसमें रिटर्न टिकट ही नहीं है. सामान ऑलरेडी सारा पैक्ड है. अभी देखते हैं. अभी इससे पहले पिट स्टॉप है गुड़गांव में. सो वी हैव टू लीव फ्रॉम करंटली वी आर इन आगरा. इसके बाद जाना है गुड़गांव एंड देन वी विल गो फॉर T3 दिल्ली. रियलिटी हिट नहीं हो रही कि ओके मतलब लास्ट टाइम इन गुड़गांव वाली फीलिंग ना. अब ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जब एयरपोर्ट पे पहुंच के लाइक निकल जाएंगे ना फाइनली, मतलब जब पहुंच जाएंगे ऐसा होगा कि ओके आ गए, देन इट विल बी लाइक ओके गुड़गांव वापस नहीं जा रहे. वी स्पेंड मोर देन 4-5 इयर्स इन द सेम एरिया एंड उसकी वजह से थोड़ा मैसा वी हैड अ फ्रेंड आवर फ्रेंड्स मोमेंट अबाउट 1.5 महीने पहले. थोड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है. पहले पता था कि एक बार तो दोबारा आना ही है तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ ओके. बट अब ये है, अब पता है कि दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद वी आर नॉट रिटर्निंग. फील्स अ लिटिल वियर्ड. अब बैठ के बात कर, बैठ के बात करते हैं. तो इंटरनेशनल एरिया इंटरनेशनल लाउंज. इसके पहले एक कहानी सर बता देता हूँ. इससे पहले हम गए थे T3 में, वहाँ रिकॉर्ड करने का इतना टाइम मिला नहीं क्योंकि ओवरऑल बिजी थे बहुत ज़्यादा. तो जैसे पहुँचे उस टाइम पे मतलब फ्लाइट निकलने वाली थी एंड वी हैड टू रश टू वर्ड्स द फ्लाइट. बाकी उस पॉइंट पे एक हैसल और हो गया था. आई लॉस्ट माई बोर्डिंग पास. वो भाई साहब वो जो ट्रे होती है जिसमें सिक्योरिटी चेक करते हैं उसके नीचे पक गया था. एंड वो 10 मिनट तो जो मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई है कि पता नहीं अब दोबारा बनवाना पड़ेगा, बनाएंगे नहीं बनाएंगे. उस पर जितने बैग्स दिए थे उसकी स्लिप भी लगी हुई थी, दैट वाज आल्सो कंसर्न. बट एनीवे वी फाउंड दैट वो 10 मिनट में मिल गया बिकॉज ऑफ माय सिक्योरिटी आई लॉस्ट इट. लगता है बैंगलोर वालों को ना आइडिया नहीं है कि लोग कनाडा भी आते हैं. मतलब क्या है कि दिल्ली में ऑलरेडी सबको अंडरस्टैंडिंग है कि कनाडा का प्रोसेस क्या है क्या नहीं, इमिग्रेशन में क्या चेक करना हो क्या नहीं, इधर उतना आइडिया नहीं है. बट देन अगेन यहाँ रश भी नहीं है उतना. सो इट हार्डली टुक अस 10 मिनट्स एंड वी वर थ्रू द इमिग्रेशन. वो जो इनिशियल हैसल हुआ उसकी वजह से 5 मिनट्स ऐसा लगे, बट अदरवाइज इट वॉज वेरी सिंपल प्रोसेस. एंड अगेन सिक्योरिटी चेक में भी कुछ ऐसा खास नहीं था. ये मैडम की जो कर्लिंग रॉड है उसका सीन हो गया था. पूछा था है किस चीज़ के लिए. आई टोल्ड हिम कि बाल कर्ल करने के लिए. तो मुझे देखे ऊपर से नीचे तो समझाना पड़ा भाई मेरे है नहीं इसके. बट एनीवे फ्रॉम कम्स टू बैंगलोर एयरपोर्ट यू कैन एक्सेस मतलब वी यूज आई यूज SCSC रिगालिया एंड शी यूज एक्सेस रुपए डेबिट कार्ड. रुपए डेबिट कार्ड राइट. हाँ मतलब वो डिपेंडिंग ऑन दी कार्ड्स दैट यू हैव यू कैन ट्राई. एंड बैठने के लिए और बहुत बढ़िया है. दोनों के 2-2 रुपये कटेगा. एंड उसके बाद दिस इज वट वी आर हैविंग राइट नाउ. ठीक है there is a decent buffet that is available. You can easily rest here. The seats are comfortable. Overall the ambience is nice and you can even check the bar that is also available. ye pata nahi kahan busy hai. oh ho ja veli oh kudi ha fir idhar aa ja. kaam kya mere paas yahan kaam khana peena aur kya khana peena diet ko pee rahe baith ke pair dard kar rahe hai bas mere. itna zyada chalna padta hai, itna zyada chalna padta hai, bande bhi trolley mein jaane chahiye. अच्छा ये तो मैंने बताने भूल गया कि एग्जैक्टली मतलब हमारी फ्लाइट पाथ जो है वो है क्या. तो जिस टाइम पे हमने फ्लाइट बुक करानी शुरू की थी हमारे पास बहुत डिफाइंड एक टाइम फ्रेम था कि हमें मई में जाना ही जाना है. एंड मई का भी एक फिक्स टाइम फ्रेम था कि लास्ट वीक में हम नहीं जा सकते, उससे पहले ही जाना है. उसकी वजह से हमारे ऑप्शन थोड़े लिमिटेड हो गए थे. एडिशनली यूक्रेन की जो वॉर है वो स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह से प्राइस पुश्ड अप. देन डायरेक्ट फ्लाइट जो थी दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ये वाली फ्लाइट जो थी दिस वॉज रिलेटिवली एक्सट्रीमली चीप.
नॉट एक्सट्रीमली चीप देन एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर फ्लाइट. इसमें क्या है कि विस्तारा विल टेक अस फ्रॉम डेली T3 एयरपोर्ट टू बैंगलोर एयरपोर्ट एंड फ्रॉम बैंगलोर वील टेक एयर फ्रांस टिल टोरंटो वाया पैरिस. तो अभी क्या डेली से बैंगलोर तो हम आ गए हैं. नाउ वी हैव टू कैच अ फ्लाइट फॉर एयर फ्रांस. सो एयर फ्रांस की जो फ्लाइट है दैट विल टेक अस फ्रॉम हेयर टू पैरिस एंड देन वी हैव अनदर फ्लाइट आफ्टर ले ओवर ऑफ 6 hours दिस विल टेक अस फ्रॉम पैरिस टू टोरंटो एंड फाइनली वी विल बी बोर्डिंग आवर फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट. फाइनली वी आर इनसाइड द फ्लाइट. ठीक है पहले इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसा लग रहा है भाई सर? ठीक है इसमें एटलीस्ट लेग रूम ठीक है. तो देन अगेन ट्रैवल जितना करना है लेग रूम पे है उसके उसके बिना चल नहीं पाएगा. अभी तो देखो अभी तो बैठे हैं तो फ्लाइट स्टार्ट भी नहीं हुई है. अभी एक्सपीरियंस कैसा होता है? अभी 10 घंटे की जर्नी है. होपफुली दिस विल बी कंफर्टेबल कंसीडरिंग मतलब लग रहा है एटलीस्ट देख के. बाकी लेट्स सी लेग रूम जो है वो प्रीटी डिसेंट है. लेट मी शो यू. Overall, this is the infotainment system, and the overall seat looks pretty decent. Madam, happy with the seating? Yeah. बस मुझे ये नहीं पसंद आया ये ना बीच में एकदम. दो व्यूज है ना हमारे पास. एक इधर देख लो और उधर देख लो. हाँ तो ठीक है. थोड़ा पीछे करके. हाँ अब ठीक है. हाँ.